गुड मॉर्निंग गाइस, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ पर फिर से एक बार। आज है अपने टूर का तीसरा दिन और मैं हूँ अभी रायपुर में। जी हाँ, रायपुर। तो कल जैसा कि हम थे राजनांदगांव में, और राजनांदगांव से अब मैं आया सबसे पहले दुर्ग। तो रात ज़्यादा हो गई थी, तो रात को मैंने एक बस पकड़ ली थी। बस से मैं आया दुर्ग, और दुर्ग से फिर ट्रेन से मेरे को आना पड़ा रायपुर। तो रायपुर के लिए फिलहाल मैं भी हूँ, और मैं रुका हूँ अपने मामा के यहाँ पर। तो अपन आज रायपुर घूमने वाले पूरा, और फिर आज रात को स्टे करने वाले मेरे काका के यहाँ पे। फिर वहाँ से कल अपन मॉर्निंग में निकल जाएंगे बिलासपुर के लिए। तो आज फिलहाल रायपुर घूमते हैं, रायपुर में दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी प्लेसेस घूमने लायक है। तो चलते हैं, घूमते हैं मेरे साथ। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आया हूँ संत महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर। तो चलिए देखते हैं, इसका शायद कुछ टिकट भी लगता है अंदर जाने का, और रिकॉर्डिंग का कैमरे का भी। तो दिखाता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी प्लेस लग रही है मुझे। काफ़ी पुरानी चीज़ें और ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ रखी हुई है, देख सकते हो मेरे पीछे आप। चलिए टिकट निकालते हैं। और तो ये मैंने ले लिया है टिकट। प्रवेश शुल्क ओनली 5 रुपये है, जो बहुत कम है, अच्छी बात है। तो 5 रुपये की टिकट है, उस पर वीडियोग्राफी का भी है 50 रुपये, लेकिन वो उनके लिए है जो कैमरा लेके आते हैं। मोबाइल वालों के लिए अलाव है, मोबाइल से उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते दिखाता हूँ अंदर से। देखिए कितना बारीकी से काम किया गया है उस काल में भी, एक एक चीज़ दिखती है। ये गौतम बुद्ध का चित्र बनाया गया है, पत्थर को खरोच के उसके अंदर में, और ये शायद सिक्के हैं उस समय के। उधरा Thank you.
ऑलमोस्ट अपन ने घूम लिए अंदर में, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत से स्टैचू, मूर्तिस, पेंटिंग्स और पुराने ज़माने के जो खदान कार्य में निकले हुए औजार मूर्तियाँ हैं, बड़ा ही प्यारा था। और उसके बाजू में एक थीम पार्क भी है, तो देखते हैं, दिखाता हूँ, एक बहुत ही प्यारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये मैं हूँ और ये मेरा मित्र शुभम नागपुर है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना दोनों। बड़ा प्यारा था। और भी है कुछ चीज़ें, वस्तुएं, घूमते। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप भी है अवेलेबल, जहाँ से आप कुछ एंटिक चीज़ें ले सकते हो। तो देख रहे हो ये शॉप से, ये शॉप से। यहाँ पर आप पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी टेस्ट कर सकते हो, सारे डिशेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये सारे पकवान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मैंने लिया है यहाँ पर माड़ा पीड़ा और ये है गुलगुला। गुलगुला तो स्वीट होता है और माड़ा पीड़ा होता है नमकीन। तो बेसिकली माड़ा पीड़ा मतलब ये इडली है, इडली को बीच से काट के उसको आई थिंक तेल में फ्राई किया हुआ है और ये स्वीट है। देखते हैं खा के, ये छत्तीसगढ़ का पुराने पारंपरिक जो व्यंजन है वो हमने लिए यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी प्लेस, यहाँ पर आप कहीं पर भी लेकर खा सकते हो, इतनी बड़ी प्लेस है। तो शुरू करते हैं व्यंजन, बताता हूँ कैसा टेस्ट है। शुरू करते हैं इडली से, इसको बोलते हैं माड़ा पीड़ा। ये टमाटर की चटनी है, ये हरी मिर्ची चटनी है, तीखी और चटपटी। इडली का ही टेस्ट है। इडली को बीच से काट के उसको तेल में हल्का फ्राई करके उस पर तिल और कड़ी पत्ता, मिर्ची का तड़का देके हल्का सा फ्राई किया हुआ, अच्छा टेस्ट है। एक बात है, मेरे पापा है ना, हमेशा बोलते रहते कि तुझे चिकन गुलगुला खाना है क्या। तो मैं कभी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोला, मैं बता रहा था पापा को, पापा देखो गुलगुला ये होता है, लेकिन ये चिकन का नहीं है, वेज का है, पता नहीं क्या, लेकिन स्वीट है, ऐसा बोल रहे थे। तो खा के बताता हूँ मैं कैसा है। ये शायद कद्दू को बारीक करके उसमें कुछ मैदा या दाल मिला के वड़ा बनाया, उसको तेल में फ्राई किया हुआ है। जैसे अपने घर पे नहीं बनते वो बुड्ढे बोलते, पता नहीं कि मेरा बनता है, वो स्वीट होता है, सेम ऐसा टेस्ट है इसका। इलायची और इलायची और खोबरे का टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है और टेस्टी है, बस काफ़ी अच्छा है। इसको फिनिश करते हैं, इतना रहिए, खाएंगे तो पेट ही भर जाएगा। तो ये है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन, काफ़ी टेस्टी है। बहुत और भी काफ़ी सारे आइटम थे, लेकिन मैंने ये दोनों लिए, एक स्वीट है एक नमकीन है, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मज़ा आ रहा है। चटनी टोमेटो की और ये हरी मिर्ची की, बहुत ही नेचुरल और पैरा टेस्ट है।
गुलगुला पापा जी गुलगुला देखो ऐसा होता है, ये मीठा रहता है आते। तो पूरा घूम लिए, फूड एंजॉय कर लिए, काफ़ी अच्छा फूड था और टेस्टी भी था। दो आइटम यूज़ किए, पानी भी लिए, हाथ धो लिए, अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अगर म्यूज़ियम में आते हो तो ये जगह बिल्कुल ट्राई करो। म्यूज़ियम के जस्ट पीछे में आओगे आप गढ़ कलेवा, किसी को पूछ लूँगा, यहाँ पर आओ और पारंपरिक व्यंजन का आनंद उठाओ। और ये मेरे मित्र शुभम जी नागपुर है और उनके मित्र पतंग पकड़ते हुए अड पे अड पे अट रे रे पटे पट्टा साइड लेवरे पटे पट्टा पतंग को दे रे पतंग को दे रे साइड लेवर रे। तो ये मेरे पीछे म्यूजियम है, उसका फ्रंट गेट है। अभी अपन पीछे थे वो जहाँ पे अपन ने व्यंजन टेस्ट किए, तो अभी अपन सामने चलते हैं। आगे में भी काफ़ी सारे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो देखते हैं फिर निकलते यहाँ से। ओके तो ये है महंत खासी दास जी, जिनके नाम पर म्यूज़ियम का नाम रखा गया है। तो दोस्तों, म्यूज़ियम के अलावा रायपुर में मरीन ड्राइव, राम टेंपल, म्यूजिकल फाउंटेन, मॉल्स, स्ट्रीट फूड और भी काफ़ी कुछ करने को है और घूमने को है। तो चलिए अब रायपुर को कहते हैं अलविदा और चलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की ओर। और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।